छात्रा अंजलि को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। घटना के बाद योगी के इस्तीफे की मांग को लेकर बांदा में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंक दिया। आपको बता दें कि पिछले 18 दिसंबर को आगरा मलपुरा थाने के ललव गांव की अंजलि की हत्या स्कूल से वापस घर आते समय रास्ते में जलाकर कर दी गई थी। इसी घटना के विरोध में बांदा महिला कांग्रेस कमेटी के 2 दर्जन पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और घंटों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिला कांग्रेस नेता सीमा खान ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं पर उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है, कहीं लूट कहीं हत्या जैसे जघन्य अपराध सामने देखने को मिल रहे हैं। मुख्य वजह ये है कि जो महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं दिन ब दिन महिलाओं पे ऐसे अत्याचार हो रहे, ना ही दोषी पकड़े जाते, जितने भी ज्यादातर अत्याचारी और बलात्कारी जो भी होते हैं इन्हीं के पार्टी के होते हैं, इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इतनी दबाव में है ये इन अत्याचारों की कि ये इन बलात्कारियों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकती। हम लोगों की मांग है ये है कि जब ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो ये इस्तीफा दे। ये महिला प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज महिला कांग्रेस द्वारा पुतला फूंका गया। जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बच्चियों की इज्जत नहीं बच पा रही है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और बेटी बचा नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये मान लीजिए कि योगी जी कानून जो है व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हम तो इनके इस्तीफा की मांग करते हैं, ये कि तो बाबा जी हैं मंदिर में रहते तो पूजा पाठ करें, इनके पास का नहीं है प्रदेश चलाना। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।